हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया, उठ गई हूँ सुबह के बजे 5:45 और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए क्योंकि आज है फर्स्ट नवरात्रा है। सबको हैप्पी नवरात्रि। यहाँ पे मेरा बिट्टू सोने लग रहा है, यहाँ पे मेरे पति सोने लग रहे हैं। तो मैं हो गई हूँ तैयार, आज येल्लो पहनना है तो मैंने पहना आज येल्लो सूट। अब देख लो, प्रेस थोड़ी सी बिगड़ गई है इसकी, ठीक है, और हेयर वॉश भी कर लिया है। अभी बस 2-4 मिनट में सूख जाएगा, जब तक मैं चुपके लगा लेती हूँ माता की। सेम पोजीशन में सो रहे दोनों पापा बेटा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं बहुत जल्दी उठ गई। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, चौकी लगाने से पहले जो भी चौकी वाली वीडियो होते हैं ना कि कैसे तैयार करते हैं, वो मैं ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि ना दिमाग कई जगह रहता है और कुछ ना चीज़ फिर मिस हो जाती है। तो इसलिए ना मैं हमेशा देखती हूँ कि कोई चीज़ मिस ना हो। आप देख रहे हो साथ के साथ मैं वीडियो देख रही हूँ, और ये देख लो यहाँ पर मम्मी भी आ गई। तो मैंने सोचा था एमी उठने से पहले मैं सारे काम कर लूँगी, पर ऐसा पॉसिबल है क्या कि बच्चा ना उठे जब हम कोई काम करें? और ये यहाँ आने के बाद तो पता नहीं क्यों ये 6:15 के करीब ये उठ ही जाता है, मतलब ना टाइम लगाता ही नहीं है। तो ये भी उठ के आ गया था, मम्मी भी। मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा आप भी आरती करोगे क्या? तो मम्मी बोली हाँ कर लूँगी। तो फिर मम्मी भी फिर फटाफट से नहा ली थी जब तक मैंने सारी तैयारी कर दी थी। जो आम के पत्ते डालने होते हैं ना, वो मम्मी नीचे। तो ये देख लो, मैंने सोचा था ये शैतान उठेगा ना उससे पहले कर लूँगी, पर इसको ये था मुझे बैठना है। मम्मी भी नहा के आ गई और मैंने ना सारी तैयारी कर दी है, बस अभी आरती बाकी है, दिया जला देते हैं। और यहाँ पे बस हमारी चौकी ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो गई थी। और मैं हर बार जब फास्ट रखती हूँ ना तो अखंड जोत जलाती हूँ, तो आप लोग कौन सी जोत जलाते हैं वो मुझे ज़रूर बताना। और पहले दिन थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि चौकी वगैरह सजाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, टाइम लगता है। बाकी वाले दिन तो फिर उठ के हमें पूजा ही करनी होती है, और पहले दिन मैं हेयर वॉश भी करती हूँ, तो इसलिए भी आपको पता है फिर लड़कियों को तो टाइम लग ही जाता है। और एमू देखो कितने अच्छे से आरती ले रहा है ना, इतना मतलब कितना टाइम लगा हमें, 1.5 घंटा लग गया होगा। पूरे टाइम मेरा बेटा आराम से बैठा रहा, इतने अच्छे से इसने सारी चीजें करवाई। और तो हमने माँ बेटे ने मम्मी ने पूजा कर लिया, टिक्का इसने टेढ़ा करवा लिया। क्यों जल्दी क्यों उठना, तो पूजा में बैठना है। और देखो हमारी जो पूजा है ना वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये ज्वारे बो दिए हमने बेटा, ये खंड जोत है हमारी, ये हवन कर दिया भाई हमने, तो अपनी पूजा कंप्लीट कर ली 8 बजे तक, सब कुछ हो गया। मैंने खंड जोत लगाई है, मतलब इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आ रही है ना, बहुत ही अच्छी, बहुत मज़ा आ रहा है। बस अभी पूरे घर में एक बार मैं गंगा जल छिड़क देती हूँ, और ये जो हवन जलाया था ना इसको, बहुत अच्छी वायु, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने अच्छे से पूजा हो गई है और एमी भी टाइम से उठ गया, तो जो तो भी मतलब हमारा हमारा ना सारा काम हो गया। सुबह के बजे पौने 8 आ रही हूँ। हर टाइम बेटा गोदी में मत चिपके रहो, यही हूँ, कहीं जा ही नहीं रही, यहीं बैठी हूँ, ले यही हूँ, कर ले। अब मैं चेंज करवाऊंगी सूट ने, क्योंकि भाई पूरा मोती वाला सूट है, और एमी ने लूंगी ना तो फिर चुभेगी इसके। तो मैं ना नमक का नहीं खाती, मैं ना 12 बजे से पहले चाय कॉफी कुछ भी ले सकते हो आप। तो मैं आप लोग क्या लेते हो आप बताना, आप कैसे रखते हो? कपड़े मैंने चेंज कर लिए क्योंकि मेरा बेटू ना गोदी में आकर दिखता है, मानता नहीं है बिल्कुल भी। तो चाय कॉफ़ी ले लेंगे अभी, और फिर 12 बजे के बाद कुछ भी मतलब वैसा नमक का कुछ चिप्स या कुछ वैसी चीज़ें खाती, इससे पहले नहीं खाती कुछ भी। एमो इसको नया खेल मिला हुआ है, कटोरी है, उससे खेलने लग रहा है, उसको मार रहा है, वो इधर उधर भाग रही है। ए इसकी मालिश वालिश कर दी है, अरे भी मालिश करवा का 1.5 घंटा 1.25 घंटा खेल लेगा, फिर नहा के फिर सुहाऊँगा। ओह माई गॉड, सुबह का ब्रेकफास्ट इसने कर लिया, खस रहा है। ये देखो इसके काम देख लो, टीवी देखे भी 10 दिन टीवी चला रखे है। हाँ, अब कौन सा, एक तो वो उधर कोने में पड़ा वो चाहिए, और एक दोनों ही चाहिए। देखो, पर मम्मी अलग अलग लेडीजों के पता नहीं किस चीज़ के नाम सर्च करके भजन लगा रही है। और एमो ये इधर खेल रहा, बस अभी इसको नहलाने की तैयारी, बहुत खेल लिया ये। किधर आ रहे हो, क्या है लड्डू? हाँ खड़ा होना, मैं बोल पड़ी ना तो मेरे पास आने से। राल में मुंह देख लो इसका कैसा होता है। आपका कटोरी का खेल कहाँ गया आज? देखो पीछे, अरे रुको, अरे रुको बेटा, देखो ये रही, ए भागो,
भागो भागो, मैं दिखगी ना तो मेरे से चिपटा रहता है। तो भाई आज हमारी सफाई वाली नहीं आई, क्या कहना चाहोगे, दो शब्द उस सफाई वाली के लिए? अब मैं बताऊं क्या क्या करती है काम वाली। मैं हम पूरा 1.5-2 महीना हम घर पे नहीं थे, फिर भी मैंने पूरे 2 महीने की सैलरी उसको पूरी दे दी। उसके अभी टाइम कंप्लीट भी नहीं हुआ जब से लगी थी एडवांस में, और जो काम नहीं किया उसके भी मैंने उसको पैसे दे दिए। ठीक है यार, करीब है ये वो करके, और बिना बताए छुट्टी मार जाती है। मैंने उसको एक चीज बोली, कल भी तो नहीं आई ना सही? पैसे की दिक्कत निकल भी नहीं आई। मैंने कहा पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसा चाहे ले लो कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस चाहे जब जरूरत हो, पर यार पहले बता दिया करो मुझे जब छुट्टी करनी हो। वही नहीं करा, बस वही तो नहीं करते हैं, बिना बताए छुट्टी, बाकी सब कुछ कर देते हैं। ना फोन था रही है, 4-5 फोन कर लिए, दे रहा है कि भाई फास्ट ट्रक रखा है, फिर भी उसके बाद भी ये हाल है। मैंने क्या किया ना अपने वाले रूम में, तो यहाँ को चक्कर लिया जिसमें जोत बत्ती थी, क्योंकि अम्मू का उठने का ये था कि ये उठ जाएगा, और उसको बोला था जल्दी आने के लिए कि नवरात्रे हैं जल्दी आ जाइए। झाड़ू पोछा कर दिया है, साफ़ सफाई हो गई थी, पूजा वगैरह सुबह हो गई थी, एम्मी को नहला के सुला दिया था, झाड़ू पोछा रहता था जोत वाले कमरे में तो सुबह कर दिया था। मैंने सोची वो आवेगी, उस तो मैंने जल्दी की गई थी, आई नहीं मैडम। चलो कोई नहीं, कर दिया। अब भी 12 बजने वाले हैं, अब मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी। सबको जय माता दी बोल दो। पहले नवरात्रे की शुभकामनाएं, और बाहर आते इन्होंने लगा लिया इधर नेटफ्लिक्स, ये किस किस में देख ली बता दियो। ये देखो भाई, अब मैं लूँगी ये वाला रायता, बस उसका है खीरे का रायता। 1 बज गया दिन का, दिन के बज गया 2, और हम जा रहे हैं बाहर। कहाँ पे? एम ए पूरा 8 महीने का हो गया इसका, बट अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है, तो हम जा रहे हैं इसका आधार कार्ड बनवाने के लिए। अपने पापा के पास बैठा हुआ, मेरे पास आई नहीं है, घुरा घुरा के लूंगी इसको, इसको हैंडल दिखता है आपके, तो वो करवाते हैं। और इतनी तेज धूप हो गई है फिलहाल, बहुत ज्यादा तेज, गर्मी लग रही है बिल्कुल। एमो मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? एमो एमो मेरे पास आ जाओ बेटा। इसको देख लो, यहाँ पे आधार कार्ड के लिए लेके आए हैं, हमारी गुद्दी में नहीं रुक रहा। पहले तो मित्तू के पास जा रहा था, और अब तो बिल्कुल ही ऐसे हो गया, अलग सी चीज़ पे गुद्दी में नहीं आ रहा। एमू ने आधार कार्ड में अपनी फोटो दे दी, और देखेंगे कैसी फोटो आएगी, पता नहीं मेरे को भी कैसी खिंचवाई है इसने। कई बार कई देर इसको रखा ऊपर ऐसे किया, मतलब तब जाके इसने फोटो दिया। देखते हैं मुकी कैसी फोटो आएगी उसमें। ओके ले, क्या चाहिए? खेलना है। एमो पालनो गल्ला सा अपने पालन। एमो भयान तो आछो। एमो बेटा, एमो आ जा इधर, इधर आ। एमो मस्त हो रहा अपने खिलौना में, इसने कुछ ना चाहिए। आ गई थी, एमो सुना दिया मैंने, खेला 1.5-2 घंटा और ये सो गया। मैं और मम्मी दोनों नीचे ही लेटे हैं, और सामने लगा रखे मैंने वो बता रही थी ना सुबह वाली सीरीज, ये अब तक पूरी ना हुई है, ये देख रहे हैं। रूम कर लिया कति अंधेरा, मतलब ज़्यादा तो नहीं पर हाँ अंधेरा, सब तो दिन टोर्च जला रखी है। एम उठ गए हैं भाई, सो गए, अच्छी खासी नींद ले ली, और ये जाएगा पापा के साथ घूमी करने, दूधू निकाल रहे हैं, ये पापा के साथ जाएगा घूमी करने, मैं और मम्मी बनाऊंगे दोनों मिलकर, क्या बोलते हैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। इसके पापा आ गए, और ये एमू को गिफ्ट मिला था इसका स्ट्रोलर, तो आज ये इसी में जाएगा घूमी करने के लिए। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? घूमने के लिए, घूमी करने के लिए जाएंगे हम। घूमी करने जा रहे हो? घूमी करने जा रहे हैं। घूमी करने जा रहे हैं हम। एमू को तो मजा आ रहा भाई, ये पापा बेटा घूमी घूमी कर रहे हैं, बढ़िया मौसम हो रहा है। तो मम्मी ने यहाँ पर आलू की दही वाली सब्जी बनाऊंगी, मैं शूट करूंगी, मम्मी बनाऊंगी क्योंकि और कोई शूट करने वाला है नहीं, बाबू बेटा गए नीचे। या खीर के लिए साबूदाने की हमने धर दिया है यहाँ पे, यो भिगो के साबूदाना,
यहाँ पर अब तेल वगैरह गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे देसी घी का छोक लगाया है, जो अपना जीरा है उसमें जीरा डाल दिया। कई लोग जीरा खाओ कई नहीं खाते, मैंने तो देखा था, मैंने उसमें दिखा रखा था कि भी खाते हैं। तो जीरे का तड़का लग गया, उसके बाद इसमें डाल दी थी मिर्ची और अब डाल दिए इसमें आलू जो पहले ही बॉयल करके छील के रखा हुआ था कट करके। इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक जितनी क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग और काली मिर्च। तो 2 मिनट उसको फ्राई करने के बाद ना फिर इसमें डाल दो दही, थोड़ी सी दही डाल दूँ। और ये देख लो भाई सब्जी हो गई है रेडी, जिस जिसमें खानी है, क्योंकि 2 मिनट की सब्जी है, कुछ भी टाइम नहीं लगना इसमें और एक नंबर की टेस्टी बनेगी सब्जी। और अब बनाऊंगी समके की खीर, समके यानी क्या, साबूदाने की खीर। पहला घी डाल लिया, उसके बाद डालो इसमें चीनी, इसमें चाशनी बना लेंगे, पिंगला लेंगे इसको। उसके बाद इसमें डाल दिया साबूदाना, जो जो मैं खाऊंगी डेली आपको सारी रेसिपी शेयर करने वाले। और ये जब थोड़ा सा पक जाए ना, आइडिया सा लग जाएगा, 4-5 मिनट हो जाए, उसके बाद इसमें डाल दो दूध। ये देखो घी था ना, तो इसलिए इसमें थोड़े से वो स्टार स्टार से बन गए, तिरमिरे जिसको बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा केसर डाल दिया और बस अभी ये जब पक जाएगा तो ये आपकी जो है खीर हो जाएगी रेडी। ड्राई फ्रूट्स डाल लियो अपने भाई, जो जो आप पसंद करो ड्राई फ्रूट्स डाल लो इसमें, हमने अपने पीस के डाल रखे हैं। तो ये ना थोड़े से रख लिए थे और आधे डाल दिए थे, तो ये पूरे अपना हो गए बॉयल। और ये अब इसलिए डाल लेंगे बाद में कि ये थोड़े बाद में थोड़ा वैसा वाला टेस्ट दे। ट्राई कर लो इस टाइप से आप भी बनाना। तो ये हमने इसमें ना आलू ले लिए थे, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, हरा धनिया, काली मिर्च, नमक। अब इसका बना लेंगे आटा, इसलिए बनाओगे पराठे। आटा अपना हो गया रेडी, टाइट टाइट सा करना, ज़्यादा पानी मत डालना नहीं ढीला हो जाएगा। और ये बनेंगे इधर छोटे छोटे से पराठे, क्योंकि ज़्यादा बड़े मोटे अच्छे नहीं लगेंगे, पतले करेंगे तो टूटेंगे क्योंकि बाजरे की तरह होते हैं। तो ये देख लो तो मैंने ना हवन भी कर दिया और मेन गेट भी रख दिया, और कितने अच्छे से हो रहा है देख लो। और माता के पैर भी लगाए मैंने। मोरिस के पापा भी आ गए घूम के, अब मैं दोबारा से सूट चेंज करके ये अपना खाना खाऊंगे। लैपटॉप तो ये देख लो मेरी ना थाली तैयार हो गई है, ये अपने आलू के पराठे हैं, यो खीर है, यह वह सब्जी बनी थी वाह है, और यह चटनी है, खाते हैं। तो गाइस नाइट हो गई है, मैं और अम्मी अंदर आ गए, इसके पापा और दादी बाहर टीवी देख रहे हैं क्योंकि हमारा हो गया सोने का टाइम, पौने नौ हो गए हैं। तो जय माता दी, सबको हैप्पी नवरात्रि, पहला नवरात्रा सबको मुबारक हो, बोल दो, नारा लगा दो, जय माता दी, जय माता दी। तो यहीं पे व्लॉग का एंड करते हैं। आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, और ट्राई करना यार, बहुत मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा सच में आप फास्ट का खाना खा रहे हो, ये मेरी गारंटी है। अगर हमने जैसे बनाया अगर वैसे बनाओगे तो पक्का, अगर मेरा देख के कोई अच्छा खाना खा लेगा ना मज़ा ही आ जाएगा, सच में बहुत अच्छा बना था सच में, एक बार ट्राई करना आप। तो यहीं पे करते हैं ब्लॉग का एंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। एमु पारी दे दो शुभ को, अरे राल वाली पारी दे दी आपने तो। बाय।